संसद में आए मणिपुर पे चर्चा करने के लिए, तो किस तरह चर्चा किया देखा, किस तरह से ड्रामा हुई। लेकिन हाँ, उसी में कुछ लोगों ने, अरे मेरा नहीं बनेगा यार, बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार स्पीचें दिए जिनका उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि हमारे गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की। शॉटगन के नाम से बॉलीवुड में मशहूर रहे एक्टर और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी से मौजूदा लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लोकसभा में प्रचार मंत्री की तरह बोल रहे थे। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो भाषण दिया वो काफ़ी अच्छा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि संसद में जो सत्तारूढ़ दल की ओर से जो बयानबाजी हुई, सही मायने में वो ड्रामेबाजी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ हद तक नौटंकी की है, इतने गंभीर मसले पर चर्चा या अविश्वास प्रस्ताव आया, इसके बावजूद गंभीरता पूर्व चर्चा नहीं हुई। हंसी मजाक करना, लोगों का मजाक उड़ाना, यह दुखद है। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मणिपुर हिंसा 3 महीने से अधिक समय से हो रहा है, इस पर पीएम मोदी ने ना कभी चर्चा की, ना मणिपुर गए और ना ही इस गंभीर समस्या का समाधान करते दिखे, और जब आए तो बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, जब वह आए तो किस तरह से चर्चा किया यह जनता ने देखा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तारीफ करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह सदन में अपनी बात रखी उससे लोगों को ऊर्जा प्रदान किया, जिस तरह विषय को गहराइयों से रखा, मुझे लगता है यह भाषण इससे साफ लग रहा था कि ये उनके अच्छे भाषणों में से एक है। टीएमसी, एनसीपी और सपा के सांसदों ने भी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। साउथ के लोग जिस तरह से आए और सभी गंभीर मुद्दों पर बात की वह काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, जो हमारे मित्र भी हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी उससे ऐसा लग रहा है कि वह इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे, उन्हें मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी की तरफ से संसद में जो बयानबाजी हुई है सही मायनों में ड्रामाबाजी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ हद तक नौटंकी की है। इतने गंभीर मसले पे, मणिपुर के विषय पे चर्चा या विश्वास प्रस्ताव उसके बाद गंभीरता पूर्वक बात हंसी मजाक करना, लोगों का मजाक पीछे करो ना, तो पीछे हमको सब हाथ क्या कर सकते। एक तो 3 महीने से ज्यादा हो गए पीछे करो ना, मणिपुर गए दिखे और जब आए बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मजबूरी में जब उनको लाया गया, चाहे जब संसद में आए मणिपुर पे चर्चा करने के लिए, तो किस तरह चर्चा किया देखा, किस तरह से ये ड्रामा हुई। लेकिन हाँ, उसी में कुछ लोगों ने, अरे मेरा नहीं बनेगा यार, बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार स्पीचें दिए जिनका उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि हमारे गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की, फैंटास्टिक। राहुल गांधी ने किस तरह से पेश किया, लोगों को जो ऊर्जा प्रदान की उन्होंने अपने अपनी गहराई, विषय की गहराई से, मैं समझता हूँ राहुल गांधी के चंद सबसे बढ़िया भाषण में आज तक के, एक भाषण उनका पार्लियामेंट का था। उसी तरह से स्वागतो राय साहब ने एक बात की, टीएमसी के या महुआ मित्रा ने जो की, या एनसीपी की हमारी सुप्रिया सुले ने जो बात की, या उसका भी उल्लेख करना जरूरी है जो मुलायम सिंह जी की बहू, हमारे लेट और ग्रेट मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी नीचे, साउथ के लोग जिस तरह से आए और अपनी बातों को रखा, इन बातों पे रोशनी डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत प्रभावशाली इन लोगों का स्पीच रहा, वो भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। लेकिन हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मित्र भी हैं और सोसाइटी के फ्रेंड हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं,
अब उन्होंने जिस तरह से बात दो घंटे से ज्यादा जिस तरह से बातें की आप लोगों ने देखा और उसे कई बार तो लगा कि वो इलेक्शन का प्रचार करने आए हैं, ज्यादातर करके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं मणिपुर से, शायद उनका और उनकी टीम को ज्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रचार मंत्री बनकर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इससे ज्यादा और इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान का एक वीडियो भी सामने आया जो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, तो आइए आपको भी सुनाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।